हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. सो इट इज टुडे. मेरे को पता ही नहीं है यार, दुनिया में क्या चल रहा है. और आज 2 अप्रैल है, 2 अप्रैल है. एंड मॉर्निंग 6:30, अराउंड 6:30. तो वी आर गोइंग फॉर DNC जो 10 बजे होनी है. बट डॉक्टर है सर OPD ऑल्सो, एंड मुझे पता नहीं है कि मैं लेट भी होगा. सो मेरे कल के क्लाइंट्स को भी मैंने इन्फॉर्म कर दिया. मुझे डाइट सबमिट करनी थी, मैंने वो रात को बैठ के कर दी है. सो आई हैव डन ऑल माई वर्क, यू नो, बिकॉज एवरी वन वर्क्स इन लूप. तो एक के बाद एक सबका होता है, तो फिर इसीलिए मैंने वो सारे काम कर लिए हैं. एंड नाउ आई वॉन्ट टू व्लॉग दिस टाइम ऑल्सो, बिकॉज अभी क्या ही और होगा यार. अब तो मैं हंसू रो कुछ भी हो, अब जो होता है लाइफ में होने दो. नाउ आई हैव कम टू दैट सैचुरेशन पॉइंट के जो हो रहा है होने दो, ठीक है, बस देखो बैठ के. समटाइम्स यू कैन नॉट आस्क द क्वेश्चन व्हाई इट इज हैपनिंग, बिकॉज यस्टरडे माई मिल वॉज लाइक, पहले बताती डॉक्टर तो हम DNC तभी करवा लेते. एंड शी वॉज लिटिल कंसर्न, बट आई वॉज लाइक मम्मा जाने दो, जब जिसका टाइम लिखा और क्या हो सकता है. तो आई वॉज अ बिट टायर्ड. यूजली आई यूज टू क्रिप दिस वे कि ये कहो ये पहले करवा देती है, ऐसे मुझे वेट कर रहा है. बट दिस टाइम आई वॉज सो चिल्ड, आई वॉज लाइक ओके फाइन. शी वॉज लाइक कि क्या खाने में बना, मैंने खा लिया है, रात को क्या खाना है, आई वॉज लाइक कर लूँगी. मतलब आई वॉज लाइक कि अब जो होता है ना होने दो, अब केयर ही मत करो, सोचो ही नहीं, कभी कभी लाइफ में छोड़ दो. सो टुडे इज दैट वे, है ना. तो वी आर गोइंग टू द हॉस्पिटल. मेरी कोविड टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है एंड दैट इज नेगेटिव, विच इज वेरी गुड. यार एक बार डर लग ही जाता है पता, क्योंकि रैपिड टेस्ट पे ना वो भी इतना रिलाय नहीं करते, लेकिन ये OT पे करने के लिए इमरजेंसी है तो वो फिर कर देते हैं. लेकिन ये कि वो भी, बट फिर एक नंबर भी केयरफुल हो जाएंगे. एंड DNC इज वेरी फ्रिकिंग एक्सपेंसिव. मैंने इंस्टा स्टोरी डाली, टपक तो लगा और जगह पर रेट क्या होता है भैया. मतलब बच्चे के तो खर्चे बाद में, पहले ये सारे खर्चे. एंड आज हम लोग कल ही रात को डिस्कस कर रहे थे, विद गॉड ग्रेस वी आर फाइनेंशियली स्टेबल, बट स्टिल हम दोनों काम करते हैं, हम दोनों वर्किंग हैं, नॉट फ्रॉम द यूट्यूब, अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब. यूट्यूब तो आप सोचोगे यूट्यूब से कमाते रहो, ऐसा कुछ नहीं है. जो हम और कमाते हैं उससे हम कर पाए आज, है ना. तो बहुत जरूरी है दैट यू बी फाइनेंशियली स्टेबल. मुझे अपना मास्क लेना है और लड्डू गोपाल जी अपने पर्स में रखने हैं, कि मैं कहाँ पर भी जाती हूँ तो मैं ज़रूर रखती हूँ अपने साथ. एंड सुबह जो जगा दी, सब कुछ कर लिया. आदित्य हैड ब्रेकफास्ट, मेरे को कुछ नहीं खाना है. आई एम NPO और नील बाय पाम माउथ. तो मैंने बट पता दिक्कत क्या है, मुझे भूख नहीं लगी, मुझे पानी बड़ा अच्छा लगता है. मैं तो हर 10 मिनट में पीऊँ पर पी नहीं सकती. सो बस मैंने सैनिटरी पैड, एक नाइट सूट, अंडर गारमेंट्स सब पैक कर लिए हैं, सो दैट यू नो वेन एवर आई नीड, इफ़ आई नीड एनीथिंग. एंड फ्यू सेट्स ऑफ टॉवल्स, दैट्स इट, नथिंग, देयर इज नो मच ऑफ नीड, बट स्टिल आई एम कीपिंग इट विद मी. चलो देन, नाउ आई विल गो, बाय. मैंने अपने फोन पे भी थोड़ा सा ब्लॉग किया था, जरा सा छोटे छोटे, ये ड्रेस में नहीं है. खुशबू का OTD. एडमिशन वगैरह सब डन हो गया है और अबी यहाँ पे 6-bedded रूम है, इसमें अभी मिला है यहाँ पे. अब देखो कितने बजे, अब वही अब 10:30 बोल रहे हैं, लेकिन अब टाइम का अब कुछ कह नहीं सकते जब डॉक्टर आएंगे, और वो अब वो हमारे हाथ में नहीं है. लेकिन आज छुट्टी मिल जानी चाहिए और लेट्स होप कि सब ठीक हो. कोविड नेगेटिव आई है रिपोर्ट, तो चिंता की बात नहीं है. और कुछ आप कहना चाहेंगे? आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा फील हो रहा है? गुस्सा आ रहा है फालतू. और आपको कैसा लग रहा है? मुझे नींद आ रही है. Contractions. ये बहुत गंदा है, वो सब ठीक है. Hi guys.
सो अपडेट ये है कि खुशबू ओटी में चली गई है. टाइम इज नाउ 10:25. ऑलमोस्ट 10 मतलब अभी से 10 मिनट पहले ले गए थे उसको ओटी में. तो मैं ऊपर तक जरूर गया था ओटी तक, लेकिन वहां से अंदर उसको फिर ले गए थे, मेरे को अंदर नहीं जाने दिया. एंड यस, अब देखो 2-2.5 घंटे का प्रोसीजर है, फोन करेंगे वहां से. मैं इधर क्या है, यहाँ ना जैसे वार्ड दिया है इन्होंने, बट वो जनरल वार्ड दिया है और जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड. ठीक है, पहले मैं खुशबू के साथ था, बट अभी यार मैं सच बताऊं तो ज्यादा टाइम मैं खुद भी रहना नहीं चाहता हॉस्पिटल में. तो मैं अभी गाड़ी में आके बैठ गया, क्योंकि तो यार थोड़ी देर पूरे टाइम बैठना, फिर मास्क उतार के आराम से मैं थोड़ी देर बैठ सकता हूँ. गाड़ी इधर मैंने छाए में लगा ली है. और बस देखो, खुशबू को सुबह उन्होंने थोड़ी मेडिसिन दी थी, उसको थोड़ी पेन थी. एंड ये लोकल एनेस्थीसिया दे के होता है, जनरल एनेस्थीसिया दे के होता है, मतलब पूरा बेहोश करके होता है. 20-25 मिनट का प्रोसीजर है, उसके बाद रिकवरी में रखेंगे. टोटल 2-2.5 घंटे का काम है. तो ठीक है, फ्रेंकली बताऊँ मुझे इतना डर नहीं लग रहा, और मैंने ये सब देखा हुआ है. मेरी सर्जरी हो रखी, मेरी नाक की सर्जरी हुई थी, मेरी इस साइड की मेरी मेरी नाक की ना हड्डी बड़ी हुई थी. तो मैंने ऑपरेट, मेरे को सांस लेने में बहुत दिक्कत, मतलब इस साइड से मेरे को सांस ही नहीं आता था पहले. तो 2012 में मेरी यहाँ की सर्जरी हुई थी, तो उसमें भी पूरा फुल एनेस्थीसिया देके करा था. उसमें तो मेरी रिकवरी में टाइम भी ज़्यादा लगा था, बिकॉज वो 3 दिन तक तो पूरी नाक बंद रहती है, पूरी ब्लॉक रहती है, बहुत लंबी पट्टी रखी हुई थी. तो यह कि इसलिए मेरे को पता है प्रोसीजर वगैरह क्या होता है, तो इसलिए मेरे को इतना कोई डर नहीं लग रहा. मुझे पता है खुशबू, और ये वैसे भी छोटा प्रोसीजर है. देखो बस सब ठीक रहे, थोड़ा तो यार देखो रहता ही है 1%, तो लेकिन बस यही है कि सब ठीक रहे, और ठीक होगा वैसे. एंड जैसे ही होता चलो अपडेट देते हैं खुशबू की कैसी है तबीयत वगैरह. मैंने अपना लंच अपने साथ ही लाया हूँ, मतलब अब सुबह ज़्यादा टाइम था नहीं. मैंने फटाफट ना ब्रेड पे मक्खन लगा के रख लिया था कुछ पीस, क्योंकि अब सुबह सुबह खाया नहीं जाता. मैंने कॉफ़ी पी ली थी, खुशबू ने कल रात से कुछ नहीं खाया, क्योंकि एनेस्थीसिया की वजह से उसको, उसने कल रात से कुछ भी खाना और पानी दोनों ही नहीं लेना था, पेट एकदम खाली रखना था. तो उसने कुछ भी नहीं लिया, मैंने सुबह फटाफट कॉफ़ी पी थी और बस आ गया था, और मैंने रख ली थी ब्रेड, तो अभी मैं वो खा लूँगा. और बस अभी यही है, चलो थोड़ी देर के बाद बात करते हैं. खुशबू ठीक है, 5-10 मिनट में हो गया था, अभी रिकवरी में है. अब थोड़ी ही देर में अब उसको वार्ड में शिफ्ट करेंगे, थोड़ा सा वो नौजिया वगैरह ठीक हो जाएगा तो फिर खाने के लिए देंगे. और आई थिंक अब से 2-3 घंटे में डिस्चार्ज मिल जाना चाहिए. एंड यस, सब ठीक है. डिटेल्स वगैरह प्रॉपर अभी पहले अभी डॉक्टर से बात नहीं है. डॉक्टर ने जैसे फ़ोन करा था कि प्रोसीजर हो गया, सब कुछ ठीक रहा, खुशबू ठीक है, तो डॉक्टर से बात हो जाए, घर आ जाए, फिर आराम से बात करते हैं. सो एनीथिंग यू वांट टू शेयर, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, क्या क्या याद है तेरे को? याद है रहा कैसे फैलाते था, फिर आवाज को हो गया, अब हाथ फैलाया था, फिर एनेस्थीसिया दिया, और पता नहीं मेरे को कुछ नहीं पता. मेरे को सिर्फ टेल बोन पे, जैसे डिलीवरी के समय भी ना लोग बोलते हैं ऐसे पेन होती है टेल बोन पे, और वो दबाने से बड़ा आराम मिलता है, उसी वाली पेन बस होती है. ऐसा लगता है कोई मुक्का मारे हुए टेल बोन पे जोर जोर से, बस. तो खुशबू अभी शिफ्ट हुई है, जस्ट 5 मिनट ही हुए हैं, और उसको टेल बोन पे थोड़ी सी पेन हो रही है, और बाकी तो अभी वैसे सरप्राइजिंग है, उसको नौजिया फील नहीं हो रहा, उसको प्यास नहीं लग रही ज़्यादा, तो वो काफ़ी सरप्राइजिंग है. नहीं तो मैंने मतलब देखा, मेरे के साथ भी हुआ था, काफ़ी ज़्यादा नौजिया लगता है, पानी की प्यास लगती है. तो ठीक है, चलो कह रही है बाकी सब ठीक है. नीचे अब ऑब्वियसली ये टेल बोन पे थोड़ी दर्द ज़्यादा हो रही है, थोड़ी कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं, तो अब वो प्रोसीजर हुआ तो थोड़ा उसमें रिकवरी में टाइम ज़रा सा लगेगा. एंड चलो अब थोड़ी देर में डिस्चार्ज मिलेगा, एक खाना ना खिलाएंगे फिर डिस्चार्ज. चलो बाय.
it's 4 o'clock now. I haven't eaten anything because I didn't have any vomit or any nausea feeling, so that was good. मुझे भूख लगी हुई है since I have not eaten anything since morning. Aditya had ordered a sandwich, so I had just one piece, but I didn't wanted to have anything which is maida. Usually मेरी diet soft diet होनी थी, but इधर की खिचड़ी में बहुत हींग है and I don't like hing taste, तो मैं वो नहीं ले रही. I had नींबू पानी. तो बट वन थिंग आई एम नॉट लाइकिंग, क्योंकि नीचे की पैंट्री जो है दे आर सर्विंग, हमने सोचा थाली मिल जाए तो एटलीस्ट फुल्का सब्जी और चपाती चावल खा लूँगी, बट अनफॉर्चुनेटली दे डोंट हैव, दे हैव मटर कुलचा, ब्रेड पकौड़ा, पनीर पकौड़ा एंड व्हाट ऑल स्टफ व्हिच आई डोंट वांट टू ईट, पाव भाजी व्हिच इज़ सो स्टूपिड. And जो dietitian, since I have also worked as a hospital sector and I'm a dietitian myself, so I have this little thing कि मेरी प्लेट क्यों नहीं निकाली पहले से ही, कि डाइट की जो पूरी सर्विंग मुझे देनी चाहिए थी, मेरी प्लेट पूरी होनी चाहिए थी फूड की. दे आर अरेंजिंग फॉर अ सैंडविच, इट हैवंट कम येट, सो दिस इज़ वेरी रॉन्ग बिकॉज आई हैव वर्कड इन सच हॉस्पिटल्स एंड आई नो जब कोई बेड लगता है तो वो बेड डे केयर में भी लगता है, तो उनको डाइटिशन प्रोवाइड करती है, उनकी सर्विंग पहले से ही निकाली जाती है खाने की रिगार्डिंग देयर हिस्ट्री, तो वो सुबह ही सर्विंग लगती है, तो दैट्स समथिंग विच इज़ नॉट नाइस, क्योंकि मैंने भी लोगों की निकाली है, तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है. दैट आई जस्ट एट टू पीसेस, लाइक टू स्मॉल बाइट्स ऑफ सैंडविच एंड नथिंग टिल नाउ. आई डोंट वॉन्ट टू ईट एनीथिंग विच इज़ जंक. मुझे बाहर का भी नहीं खाना है, बट मेरे पास ऑप्शन नहीं है, आई एम जस्ट वेटिंग. हमने कहा बिलिंग जल्दी करवा दो सो दैट आई कुड गो होम. मैं ठीक होंगी तो मेरी बिलिंग करवा दो ताकि मैं घर जाऊं और मैं कुछ खाना बना के खाऊं, समथिंग सॉलिड, बिकॉज दैट्स वेरी एसेंशियल. लेट्स सी नाउ व्हाट हैपेंस. आई हैव फ्रूट एट होम जो कटा हुआ सब पड़ा है, बट जस्ट वॉन्ट टू गो होम, क्योंकि इट हैज़ बीन अ वेरी लॉन्ग डे कि मैंने कुछ नहीं खाया है सिंस यस्टरडे नाइट, सो आई वॉन्ट टू पुट समथिंग हेल्दी ताकि एसिडिटी ना हो. सो दिस वॉज माई डी एन सी पार्ट एंड आई विल शेयर इन द अनदर व्लॉग के सब प्रोसेस कैसा था एंड सब डिटेल एंड हाउ रिकवरी में क्या क्या करना है वो मैं शेयर करूँगी. And thank you to so many of you who messaged me on Instagram and who connected. Kitne sare DMs mile, that really helped us to heal faster. And yeah, bahut jaldi ho gaya tha. Mujhe bas thoda bahut pain tha jo abhi chala gaya hai, so there's nothing now. Chalo, and he's here with his matar kulcha. यार पर हॉस्पिटल में ना मटर कुलचे और ये ब्रेड पकौड़े नहीं मिलने चाहिए यार. तो वो चीज़ हाँ, वो मेरे को कुलचा नहीं, बट वो जो मटरा था वो हेल्थ वो ठीक था, ऑयल भी नहीं था, ब्लैंड था, ब्लैंड नहीं तीखा था, बट सही था, मतलब उसमें ज़्यादा मसाले नहीं थे, और मसाले ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ हरी मिर्च थी. मैंने सिर्फ जरा सा मटर खाया ताकि, बट आई वॉन्ट टू गो होम. चलो देन बाय. कहाँ चले, बिलिंग तो करे वो. मैं ये ड्रेस तो चेंज करूँ, मैं नाइट सूट लेके आई हूँ, ताकि मैं अभी मेरे को सूट नहीं पहन के जाना, गाड़ी से घर ही उतरना है, तो आई थिंक आई विल गो इन माई पजामास, दैट विल बी मच गुड, है ना. ठीक है, बाय.